हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता से की अपील, कहा प्रधानमंत्री के आह्वान पर 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे अपने घरों पर जलाएं दीपक, मोमबत्ती, टॉर्च या फ्लैश लाइट, जिससे जीता जा सके कोरोना वायरस का जंग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया अपील, कहा कोविड 19 महामारी से बचाव हेतु समाज के कमजोर वर्ग के लिए आगे आए सक्षम वर्ग के लोग, मुख्यमंत्री पीड़ित राहत कोष में दिल खोल कर करें दान। कोरोना वायरस के मद्देनजर डीएम ने बनाया 11 सदस्यीय कमेटी जो रखेगी व्यवस्थाओं पर नजर, कहा कम्युनिटी किचन के माध्यम से हो रहा है खाद्य सामग्री का वितरण, बैंकों में भी भेजे जा चुके हैं पेंशन की धनराशि। कोविड 19 महामारी के दृष्टिगत मंडलायुक्त कार्यालय में मंडल स्तर पर आपदा के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु स्थापित हुआ अस्थायी कंट्रोल रूम, 24 घंटे मिलेगी सेवा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई धर्म गुरुओं की बैठक, लॉकडाउन का पालन करने के दिए निर्देश, कहा कोरोना की महामारी में सभी धर्म के लोग करें सहयोग। शनिवार को जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने एयरफोर्स पर बने टीबी हॉस्पिटल के क्वारंटाइन सेंटर का लिया जायजा, कोरोना संक्रमित के इलाज एवं खान पान की समुचित व्यवस्था के दिए निर्देश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत बैंकों में भेजे गए धनराशि की निकासी के लिए करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, आइसोलेशन वार्ड में है समुचित व्यवस्था, स्वच्छता किट से हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई शहर के प्रबुद्ध जनों, व्यापारियों और उद्यमियों की बैठक, लॉकडाउन समाप्त होने के बाद स्थिति से निपटने पर हुई चर्चा, कहा अचानक ना बढ़े भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का कराएं पालन। पूर्वांचल के सबसे बड़ी दवा मंडी में भरपूर उपलब्ध हैं दवाएं, दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष ने कहा होम डिलीवरी से लोग घरों तक मंगा सकते हैं दवाएं, करें लॉकडाउन का पालन। पुलिस द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ा दी गई है सख्ती, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा ग्रामीण क्षेत्रों से आने और जाने वाले प्रत्येक वाहनों की रजिस्टर में दर्ज की जाएगी एंट्री। जिला चिकित्सालय के न्यू ओपीडी में प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक के नेतृत्व में अस्पताल में तैनात डॉक्टर, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण, कोरोना वायरस से निपटने के लिए किया गया तैयार। लॉकडाउन के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट अभिनय रंजन श्रीवास्तव ने मंडी में लग रहे सैनिटाइजेशन टनल का किया निरीक्षण, कहा अब मंडी में प्रवेश के लिए टनल से होकर पड़ेगा गुजरना, जिससे बच सकें संक्रमण से। महिला थाना प्रभारी और उनकी टीम द्वारा महानगर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों सहित कुसमी जंगल के मुसहर बस्ती में जाकर जरूरतमंदों को खाने का पैकेट और पानी का किया गया वितरण, अपने आसपास साफ सफाई और सामाजिक दूरी बनाकर रखने के लिए किया गया जागरूक। कोरोना से बचाव के लिए तहसीलदार बांसगांव और प्रभारी निरीक्षक बेलीपार ने धर्म गुरुओं के साथ थाना परिसर में किया बैठक, कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर की गई चर्चा, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ध्यान। लॉकडाउन के दौरान लगातार ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को आरएसएस के स्वयंसेवकों ने कराया जलपान, कहा लॉकडाउन तक जारी रहेगी व्यवस्था। ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को पर यूनिट गेहूं और चावल का किया गया वितरण, सोशल डिस्टेंस का किया गया पालन। और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान शनिवार को भी पूरे महानगर में पसरा रहा सन्नाटा, लोग कर रहे हैं लॉकडाउन का पालन।